गुड इवनिंग दोस्तों, वीकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 21 मई 2022, आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और आने वाले हफ्ते या आने वाले दिनों में कैसे करेंसी बिहेव कर सकता है। डॉलर इंडेक्स आपका लास्ट 103.00 पे है एंड यहाँ पे जो हम देख रहे हैं एक क्लियर कट लोअर हाई लोअर लो बन चुका है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट एंटिसिपेटेड है इन डॉलर इंडेक्स। वीकली चार्ट में देखेंगे कि अच्छा खासा एक नेगेटिव कैंडल ऑन ए वीकली बेसिस फॉर्म हुआ है एंड ऑल्सो अगर मंथली में देखेंगे तो ये देखिए, हालांकि अभी भी मंथ का एक हफ्ता बाकी है, एक हफ्ता एंड 2 दिन बाकी है तो, बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स ए इन्वर्टेड इनवर्ट टाइप ऑफ कैंडल एट द हाई ऑफ द मार्केट। तो इसके बारे में, मंथली एनालिसिस के बारे में हम 31 मई के बाद डिस्कस करेंगे। तो वीकली में भी काफी वीकनेस कैंडल पे है एंड डेली में ऑलरेडी आप देखोगे प्राइस ऑलरेडी लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन कर चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ यानी डाउनवर्ड मूवमेंट एंटिसिपेटेड है जब तक ये हायर हाई हायर लो फॉर्म नहीं करते हैं। ऐसा करके जब तक चलता रहेगा तब तक नीचे की तरफ है। द मोमेंट ये नया हायर हाई हायर लो बनाना चालू करेगा, वॉट एवर कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया है, इट विल सीज टू एग्जिस्ट। तो उसके बाद देखते हैं कि डॉलर रुपी में क्या एक्टिविटीज है। डॉलर रुपी में एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है पिछले 5 दिनों में, बाई सेल बाई सेल बाई। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ आउटफ्लोज चल रहा है या समवन इज ट्राइंग टू पुश द डॉलर रुपी एट ए हायर लेवल। एक्चुअली क्या है कि आप अगर डॉलर इंडेक्स देखोगे, सॉफ्ट होने के इंडिकेशन से डॉलर सीएनएच देखोगे, इसमें भी सॉफ्ट का इंडिकेशंस आ चुका है। तो डॉलर रुपी में भी हम सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे पिछले 5 दिन में 3 दिन बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 2 दिन सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग। तो अगर हम यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स का सेंटीमेंट समझने का कोशिश करेंगे तो एक बात हो सकता है कि कोई एक तो है कि जेन्युइन आउटफ्लो चल रहा है, एक जब तक वो जेन्युइन आउटफ्लो खत्म नहीं होता है तब तक डिमांड कंटिन्यू करना चाहिए एंड दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सम बिग प्लेयर्स इसको ऊपर लेके जाके सेल करने का कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा एक एंटिसिपेशंस है फ्रॉम द प्राइस एक्शन, सिर्फ डॉलर रुपी का प्राइस एक्शन नहीं, डॉलर इंडेक्स देन आपका डॉलर सीएनएच एज वेल एज जीबीपी डॉलर यूरो डॉलर एंड अदर करेंसी पेयर्स के देखने से ऐसा लग रहा है। तो अगर आपको एक सरप्राइजिंगली ऑप्टिक और भी ज्यादा मिले दैट मे बी कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द मार्केट इन डॉलर रुपी पर। इसका अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो चुका है एंड अगर मंथली में देखेंगे तो मंथली में भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल अंडर फॉर्मेशन है। तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन चाहिए एंड जो वे में हम सोच रहे हैं मार्केट, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन हमें देखना पड़ेगा ऑन डॉलर रुपी पर। अगर हम जीबीपी डॉलर
डेली चार्ट में देखेंगे ये बॉटमिंग आउट का फॉर्मेशन है, तो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज की यहाँ से थोड़ा सा अपटिक देन कंसोलिडेशन देन अगेन अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें डॉलर इंडेक्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स, ये जो डॉलर इंडेक्स है, ये जब तक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस करता रहेगा तब तक यूरो डॉलर जीबीपी डॉलर में हम बाई डिप कर सकते हैं। वीकली अगर चार कैंडल देखेंगे, एक बढ़िया सा आपका बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है और थोड़ा प्राइस ऊपर जाना चाहिए टू से अभी बायर्स इन स्ट्रेंथ, तो अभी भी थोड़ा बीच बीच में डीप जा सकता है जहां से हम बाई डीप कर सकते हैं। अगर हम मंथली कैंडल बनाएंगे तो एक बढ़िया सा 3 बार फॉर्मेशंस हो रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 20th of May चला गया है और भी 2-5 और 2-7 दिन बाद 7-7 trading days are left, तो यहाँ पे अगर चेंज नहीं होता है, सपोज यही कैंडल 31 मई के क्लोजिंग के बाद होता है, देन इट्स ए गुड एक्सीलेंट बॉटमिंग आउट सिग्नल 3 बार एट ए सपोर्ट एरिया। लेकिन मंथली हमें अभी और भी देखना है, और भी 7 working days या ट्रेडिंग डेज आर देयर। यूरो डॉलर में देखेंगे यहाँ पर भी काफी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो देयर आर हायर चांसेस कि बाई डिप करके हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट फॉर 1.08 लेवल्स। वीकली में देखेंगे एक अच्छा सा बुलिश कैंडल फॉर्म हो चुका है, लेकिन जहां से ये फॉल हुआ है 1.22 लेवल से, जो 1.0350 का जो बॉटम मारा है, तो ये एक वीकली कैंडल के बेसिस में हम कभी भी इसको बोल नहीं सकते कि अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये एक अगर मान लीजिए कमिंग वीक में एक नेगेटिव कैंडल इस टाइप का आता है, कमिंग वीक या आने वाले हफ्ते में इस टाइप का एक नेगेटिव कैंडल आता है, उसके बाद इस नेगेटिव कैंडल को एक ग्रीन पॉजिटिव कैंडल अगर उसको क्लोज करता है, उसके हाई के ऊपर क्लोज करता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए रिवर्सल सिग्नल। तो रिवर्सल सिग्नल के लिए अभी भी हमें इंतजार करना है। अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में एक वही 3 बार टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, अभी भी 7 trading days आर लेफ्ट, तो हमें और मंथली कैंडल एनालिसिस करने के लिए वी नीड टू वेट फॉर सम मोर डेज। अगर हम डॉलर येन का देखेंगे डेली चार्ट में, तो डॉलर येन का यहाँ पे अभी भी इसके लो के नीचे कॉन्विंसिंगली क्लोज नहीं दिया है, बट सेल ऑप्टिक्स में बी कंसिडर्ड इन दिस पार्टिकुलर इन दिस इंस्ट्रूमेंट जब तक जो अभी का जो रिसेंट स्विंग हाई है उसके ऊपर क्लोज नहीं देता है, नहीं दे देता है। वीकली में देखेंगे एक अच्छा सा 2 back-to-back बीआर कैंडल फॉर्मेशंस हुआ है, तो यहाँ पर भी हम सेल ऑप्टिक्स कंसिडर कर सकते हैं। मंथली जो अभी इनकम्प्लीट है इसको और थोड़ा 7 trading days यानी 31 मई तक इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। अगर हम डॉलर कैंडी में जाते हैं, डॉलर कैंडी में भी अच्छा खासा डाउन आया है, अभी इसके लो के नीचे या बेसिकली अभी ये लो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ये लो के नीचे डेली क्लोज देने से इट देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज की इट विल बी हेडिंग फर्स्ट टुवर्ड्स 1.26 देन टुवर्ड्स 1.2450 की तरफ जा सकता है, उसके लिए ये लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा एंड फॉलो थ्रू देना पड़ेगा। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में एक अच्छा सा सेलिंग सिग्नल्स आया है, एक तो प्रीवियस वीक में एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया है एंड करेंट वीक में इस पिन बार के नीचे क्लोज दिया है, तो यहाँ पे वीकली बेसिस में भी सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर। अगर मंथली में जस्ट एक नजर लगाते हैं तो एक पिन बार फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको 31 मई के लिए रख देते हैं मंथली एनालिसिस को। अगर हम ऑसी डॉलर में देखेंगे, यहाँ पर भी रिवर्सल कैंडल मीन्स डेली प्रॉफिट
प्राइस एक्शन के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल कैंडल आ चुका है, रिवर्सल पैटर्न आ चुका है, तो हम यहाँ पे बाई डिप्स कर सकते हैं। अगर हम वीकली एनालिसिस करेंगे तो वीकली में एक अच्छा खासा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है एंड एट द प्रीवियस सपोर्ट लेवल, सो बाई डिप्स में भी कंसीडर्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। और मंथली देखेंगे तो एक स्पिनिंग टॉप अंडर फॉर्मेशन है। आइए देखते हैं डॉलर सीएनएच में क्या हो रहा है। डॉलर सीएनएच में लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हो चुका है एंड इट सिग्नल्स सम सॉर्ट ऑफ सेल ऑफ मे कंटिन्यू हियर, तो एनी अपटिक मे बी सोल्ड विथ ए स्टॉप लॉस, वंस स्टॉप लॉस अबोव द हाई एज अ क्लोज, इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज देगा यू शुड कट योर पोजीशंस, अदरवाइज एक अच्छा सा सेल ऑफ यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में एक अच्छा सा नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो चुका है, तो सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड। मंथली में खास कुछ है नहीं, एक स्पिनिंग टॉप अंडर कैंडल अंडर फॉर्मेशन से, सो डेली एंड वीकली बेसिस में हम सेल ऑप्टिक्स इसमें देख सकते हैं। यूके ऑयल देखेंगे, जैसे कि हमारा काफी टाइम से डिस्कशंस हो रहा है कि यूके ब्रेंट ऑयल जो है 116 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं दे देता है, या 96 97 के नीचे जब तक क्लोज नहीं दे देता है, तब तक यहीं पे ये रेंज के अंदर में ही वॉलेटाइल मूवमेंट करना चाहिए। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बेसिकली एक मींस स्पिनिंग टॉप मींस ए सम सॉर्ट ऑफ इंडिसीशंस इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर US 10 ईयर ट्रेजरी देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस हो चुका है, दैट मींस ये थोड़ा सा और सॉफ्ट होने का प्रोबेबिलिटीज है। अगर हम वीकली देखेंगे, वीकली में भी बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल एंड ये जो अभी करंट वीक का जो कैंडल है वो प्रीवियस वीक का कैंडल के लो के नीचे क्लोज दे चुका है, सो यहाँ पे और भी थोड़ा सेल ऑफ एंटिसिपेटेड है इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। आइए हम थोड़ा सा यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर एंड येन आईएनआर पे नजर डालते हैं। यूरो आईएनआर डॉलर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे डेली चार्ट में एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर चुका है, जहाँ पे हमारा यूरो आईएनआर में एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है 83.50 के तरफ, तो हम आप लोग इसमें बाई डिप्स यूज करके पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम इसको वीकली में देखेंगे, वीकली में भी जो बाइंग इंडिकेशंस यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग आ चुका है। अगर हम जीबीपी आईएनआर में देखेंगे, जीबीपी आईएनआर में भी अच्छा खासा आपका बाइंग कंडीशंस आ चुका है, 96 60 94 30 30, तो 96 यानी यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम टुवर्ड्स 99 हम कंसीडर कर सकते हैं, बाय डिप्स में भी कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम वीकली में एक बार नजर लगाते हैं तो यहाँ पर भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है। येन आईएनआर में ये ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहा है, किसी को अगर लॉन्ग साइड से खेलना है तो इसको बाय डिप्स में आप पोजिशन बिल्डअप कर सकते हैं। वी मे एक्सपेक्ट ए गुड अपवर्ड मूवमेंट, लेकिन ये अपवर्ड मूवमेंट सिंगल शॉट ऊपर जाएगा नहीं, ग्रेजुअली थोड़ा जाएगा थोड़ा आएगा थोड़ा जाएगा थोड़ा आएगा करके, तो मीडियम टर्म में एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम इसमें हो सकता है। तो वीकली करेंसी एनालिसिस आप सभी के सब मीन्स आप यहाँ अभी के लिए यहाँ पे हमने इसको समाप्त किया। आप सभी का हफ्ता सुखमय हो, आप सभी ये वीकेंड में अच्छा रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए एंड अगले मंडे से फिर दोबारा फुल एनर्जी के साथ मार्केट में लग जाइए अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।